ऐसे ही लोग मरते हैं इनकी वजह से। ये अलग सिस्टम वाला है वाला, क्या परोठी हुई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो रेडी। तो आगे से आके सारी बातें करते हैं, अभी कहाँ जा रहे, क्या करने जा रहे। तो ट्रिप पे निकलती पहला कांड हो गया, हमारा बाइक ही पंचर हो गया। तो इसको अभी थोड़ा घर के आगे से हवा भरवाया है, अभी यहाँ पे चेक करवा रहे क्या सीन है क्या नहीं, तब जाके पता चलेगा। तो थोड़ी देर चेक करने के लिए खड़े थे कि हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो अभी फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। अभी पेट्रोल भरवाना भी बाकी है तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, पर सेफ्टी के साथ में देखना पड़ेगा कुछ। पेट्रोल भी भरवा लिया है और एक्चुअली हम लोगों ने कलोल भी क्रॉस कर लिया है। तो जाने दो, कितना ज़्यादा हॉर्न मार रहा है। हाँ तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने पेट्रोल भी भरवा लिया है और कलोल भी क्रॉस कर लिया है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। तो हम लोग जा रहे हैं पाटन, हमारे एक सर है, हमारे मतलब महेश सर के वो स्टूडेंट है, मेरे सर है, तो उनका गरबा क्लास है पाटन में। तो हम वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से वो बोल रहे थे कि आप मिलने आओ मिलने आओ, तो आज टाइम मिल गया तो हम लोग जा रहे हैं। और हाँ, ये बाइक का क्या सीन है, बाइक को एक्चुअली ना घर पे कोई चलाता नहीं है क्योंकि पापा कभी कभी चलाते, भाई तो चलाता ही नहीं, मैं तो पूरा दिन एक्टिवा लेके घूमता रहता हूँ। तो इसलिए इसका कुछ समझ में नहीं आता, इसमें पेट्रोल होता है नहीं होता है, क्या खर्चा है कुछ नहीं है, तो वो सब पता नहीं चलता है। तो इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसे ना मैं इसको ट्राई करूँगा कि मैं इसको चलाऊँ, ठीक है। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप सारे मज़े में हो, अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। तो अपने ने लास्ट टाइम जहाँ पे रोके थे ना, जब उमिया माता के टेम्पल जा रहे थे उमिया धाम, वहीं पर फिर से रुके। तो अभी कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते, सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसके बाद में आपको बोलता। ये खमन मंगाया है, गोटा मंगाया है, मसाला डोसा आ रहा है अभी, और दो चाय भी आ रही है, चाय भी आ गई, मसाला डोसा भी आ गया है। चलो खाना पीना सब डन हो गया, तो अभी यहाँ से मेहसाणा तक सर चलाएंगे, उसके बाद में अपने चलाएंगे, ठीक है। तब तक मेरा इसका बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। तो ये बाईपास रोड ले लिया हमने मेहसाणा से पहले, अभी यहाँ से सर पीछे बैठेंगे और अपने चलाएंगे। तो थोड़ा पहले इसको सेटअप कर देता हूँ, फिर सीधा आपको हेलमेट के अंदर मिल जाए। जय माता दी, लेट्स गो। अभी ना भाई गाड़ी चलाने वाले, हाँ ये रास्ता एक्चुअली मेरे लिए नया है, वैसे इंजा गए थे तो यहाँ पे ही, यहाँ से ही गए थे, पर अपने तो पीछे बैठे थे तो कोई आइडिया नहीं था। प्लान कैंसिल नहीं करवा रहे, हवा चेक, राम बरसे, जय माता दी। एक्चुअली यहाँ के रास्ते बहुत खराब है, अभी थोड़ा रोड अच्छा आया, इससे पहले तो एक इतना बड़ा खड्डा आया था, बस गिरने ही वाले थे। और ये देखो ऐसे ही लोग मरते हैं इनकी वजह से। अभी यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर जितना रहा है पाटन, तो यहाँ से ना सूर्य मंदिर सिर्फ 20 किलोमीटर ही है, मोटेरा सूर्य मंदिर, तो वहाँ पे भी कभी जाएंगे टाइम मिला तो। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट लेने का है और मेहसाणा के लिए राइट है, तो अपने को जाने का है राधनपुर की तरफ। एक्चुअली मैं ना कितना 5-6 साल के बाद में पाटन आ रहा हूँ, पहले तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते थे, मतलब महीने में 1-2 बार तो हो ही जाता था हमारा, तो वैसा हमने कितना 1.5-2 साल तक आए होंगे। तो ये वाला रास्ता बहुत मस्त आ गया, यहाँ पे चलाने का मजा आएगा। मैं जब भी बोलता हूँ मस्त रास्ता आ गया, उसके बाद में ऐसा टूटा फूटा आ जाता है, अभी मेरे को बोलना बंद करना पड़ेगा। कुछ कार वाले तो ये सिंगल पट्टी ले रोड पे भी, इतना बड़ा उनको जगह चाहिए जैसे कि ट्रक लेके आ रहे हो। अभी पाटन में तो पहुंच गए पर आउटकट्स में है अभी,
ये सामने ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज से लेफ्ट जाएंगे तो पाटन का अंदर का सिटी आ जाएगा। तो अभी ना अपने सिटी के अंदर आ गए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि पाटन फेमस है पटोड़ा के लिए। सू क्या भाई है ना? घुंगड़ी तड़ाव। घुंगड़ी तड़ाव, हाँ। तो इसमें मैं 4-5 साल पहले हमने शूट भी किया था एक यूट्यूब वीडियो के लिए। तो ये जो सर के वहाँ जा रहे हो ना, उनके ही ग्रुप का शूट था। देखो बगवाड़ा दरवाजा बोलते हैं। चलो पहुंच गए। जय बोले। तो भाई साहब अपना ना ये गाड़ी पंचर ही है, टायर फ्लैट। तो वहाँ मार्केट में चाय वाय पी के अभी हमारे राहुल सर के घर पे आ गए। तो अपना बाइक तो अभी पंचर हो गया, तो अभी बाहर की रख दिया है। तो अभी जब बाहर निकलेंगे तब उसको ले जाके पंचर वंचर करवा लेंगे। पर एक अच्छी बात हो गई कि अपने को रास्ते में कहीं भी परेशान नहीं किया, तो वो अच्छा काम हो गया। बाकी अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, वैसे वहाँ पर बैठे ही थे, बहुत टाइम के बाद में मिले ना, तो फिर मैंने कुछ सूट वूट नहीं किया, थोड़ी बातें कर रहे थे। तो अभी आराम करते हैं थोड़ा। तो खाना वाना खा के सो गए थे, अभी सीधा चल रहे हैं गरबा क्लास पे, तो आपको वहीं पे जाके मिलते हैं। ये अलग सिस्टम वाला है सिस्टम। पहली बार आपने पानी पूरी खाया है, मेरा मुंह आ गया है। क्या नाम है इसका? मनपसंद भेड़ पकौड़ी सेंटर। तो ये वाला सिस्टम की हमने पहली बार खाई है, फिर से एक बार बता देते हैं। पानीपुरी तो बहुत सिस्टमेटिक थी, मतलब हाइजीन वाइजीन वाली तो बहुत मस्त है। तो आप पैटर्न में आओगे तो कभी ट्राई करना। बाकी अभी आ गए पंचर के लिए, पंचर करवाना भी ज़रूरी है, तो अभी पंचर वंचर करवा के हम जाएंगे। साला क्या पनौती हुई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आगे वाला टायर भी पंचर हो गया है, तो अभी ना इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये भाई करके रख देंगे, बाद में हम रात को लेके या आधे घंटे पौने घंटे में आके ले जाएंगे इसको। तो अपने को ना 6 बजे पहुंचने का था और 7:15 तो यहीं पे हो गए। तो बाइक रख के हम लोग निकल गए। ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का शाम का। तो ये पाटन की सबसे फेमस टी स्टॉल है, सर ऐसा बता रहे। हाँ, बहुत ही अच्छी मिलती है चाय यहाँ पे मोहल्ले की। चाय सच में बहुत मस्त थी। अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं, कब से बोल रहा हूँ जा रहे पर जा ही नहीं पा रहे, पर अभी फाइनली है। सामने अभी हो रहा है आगे वाला टायर। और एक मस्त चीज़ मेरे को दिखी है, मैं आपको बता दूँ, ये बाइक का मॉडिफिकेशन किया है इस बाइक। नॉर्मल बाइक में से ना इसको ई बाइक बना दिया है, गजब का काम किया हुआ। ये यहाँ पर बैटरी लगाई है। तो गियर भी निकाल दिए, मस्त काम है, मस्त। तो अभी ना अपना बाइक हो जाएगा, बाद में वापस हम जाने वाले हैं जहाँ गए थे। तो अभी मैं जाके सारा आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ना दिमाग यहीं पे चल रहा था मेरा, कब से बाइक में ही था, क्योंकि रख के जाने में थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मतलब मन नहीं मानता है। आया कि नहीं आया? है ना? ठीक है। चलो एक दो। तो थोड़ा सा गरबा सीख के ना अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया हम लोगों ने। वैसे तो 1-2 स्टेप्स लिए, तो छोटा बच्चा ब्लैक टी शर्ट वाला सिखा रहा था हम लोगों को, बहुत अच्छा सिखाया। अभी भी नीचे तो चालू ही है रिम जिम। तो अभी का क्या सीन है, अभी तो 10 बजे तक ये गरबा ही चलने वाला है, इसके बाद में कहीं खाने वाने जाएंगे। चलो रेडी मास्टर जी, रेडी। ये हमारे मास्टर जी है। मास्टर जी
पहले भी मानता रही तो ऐसी कुछ हालत हो गई है आफ्टर गरबा। ये सामने देखो स्टेप में पता ही नहीं चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर भी जैसा तैसा आया वैसा खेला क्योंकि अपने लिए नया था ना तो होता है ऐसा। अभी यहाँ से फ्री लास्ट। तो पहले जब हम पाटन आते थे ना तो ये वाला जो पेड़ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरी उंगली घूम रही है वहाँ पे हम लोग रात को क्रिकेट खेलते थे, बहुत मज़ा आती थी। ऐसा कुछ सीन होता था रात का, तो रात को 1-1.5-2 बज जाते थे हमको क्रिकेट खेलते खेलते, तो वही अभी पुरानी यादें अपनी ताज़ा हो गई है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब हो गया है, अभी नहाने जा रहे हैं हम लोग नदी पे, अभी कूदेंगे नदी में। वैसे बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगी आज ना, पूरा जितना मेरे से होगा ना उतना पाटन को अपने एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला तो आपको ये वाला दिखा दिया, अभी यहाँ पे राण की वाव है, गुजराती में राण की वाव बोलते हैं और